इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, चीन ताइवान के बीच तनाव से जुड़ी हुई एक बड़ी अपडेट। चीन और ताइवान के बीच एक और तनाव पसरा हुआ है, वहीं चीन ने सैन्य युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है और खबर यह भी आ रही है सूत्रों के हवाले से कि ताइवान पर हमला कर सकता है चीन। ताइवान ने भी जवाब में मिलिट्री तैयारी शुरू कर दी है। चीन जो कि ताइवान को अपना एक अलगाववादी प्रांत मानता है, जबकि ताइवान मानता है कि वो एक संप्रभु राष्ट्र है और यही विवाद की बड़ी वजह है। ताइवान पर हमला कर सकता है चीन, ऐसी आशंका जताई जा रही है। जानकारी ये मान रहे हैं कि चीन की जो आक्रामक हरकतें हैं इस बार वो अलग हैं और जिस तरह से माहौल पूरी तरह से गर्म हो चुका है, ताइवान ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। ड्रैगन ने ताइवान बॉर्डर पर फिर बढ़ाया तनाव। चीन और ताइवान, जल्द होने वाला है युद्ध का ऐलान। तीसरे वर्ल्ड वॉर की तैयारी में जिनपिंग। चीन ताइवान की कलह अब युद्ध के मोड़ तक आ चुकी है, जिससे मिडिल ईस्ट में एक और युद्ध की आहट सुनाई देने लगी है। चीन ने ताइवान के खिलाफ सैन्य ड्रिल की शुरुआत कर दी है, जिसे ताइवान को चारों ओर से घेरने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। थल सेना, वायु सेना और नौसेना सभी को अलर्ट मोड पर रखा गया है। खतरनाक फाइटर जेट्स आसमान में उड़ान भर रहे हैं। सैन्य अधिकारी तैयारी में जुटे हैं। समंदर में भी चीन की सैन्य ड्रिल हो रही है। ताइवान के चारों तरफ हो रही ड्रिल से तनाव बढ़ गया है। ताइवान के आसपास के इलाके में चीनी शिप और विमान गश्त कर रहे हैं। आशंका है कि ड्रिल के बहाने ड्रैगन ताइवान के खिलाफ कभी भी युद्ध का ऐलान कर सकता है। युद्धाभ्यास में चीन की सेना, नौसेना, वायुसेना और रॉकेट बल भाग ले रहे हैं। चीन ये युद्धाभ्यास ऐसे वक्त में कर रहा है जब ताइवान के नए राष्ट्रपति लाई चिंगते ने देश पर चीन की संप्रभुता के दावे को सिरे से खारिज कर दिया है। हालांकि ताइवान भी किसी तरह से पीछे हटने के मूड में नहीं दिख रहा है। चीन, अमेरिका और चीन विरोधी देशों की मदद से ताइवान भी अपनी तरफ से सैन्य तैयारियां पुख्ता कर रहा है। हालांकि ताइवान के नए राष्ट्रपति लाई चिंगते ने चीन से सैन्य अभ्यास रोकने और इलाके में शांति की अपील की है। हालांकि चीन ये मानने को तैयार नहीं है। ऐसे में ड्रैगन की विस्तारवादी नीति और पड़ोसी देशों के खिलाफ आक्रामक रवैये को देखते हुए दुनिया एक और युद्ध की दहलीज पर खड़ी दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, जी न्यूज़।